हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एंटी हीरोज की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसकी रिलीजिंग डेट के अपडेट के बारे में, बात करेंगे उसके कैरेक्टर के बारे में और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स क्या है, क्या नाम ये हमें प्रेजेंट करने वाली आने वाले फ्यूचर में। तो थंडरबोल्ट समझ में आ जाता है कि हर किसी को कि भाई एक एंटी हीरोज की टीम खड़ी होती है जो कि लड़ती है लोगों से, ठीक है। अब वो हीरोज होते हैं, कौन होते हैं ये अभी ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि भाई अगर कॉमिक बुक को साइड हटा दिया जाए तो मार्वल कुछ भी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात कि थंडरबोल्ट्स में जो कैरेक्टर अभी तक हाल फिलहाल कन्फर्म हुए हैं वो कन्फर्म हुए हैं एक तो यूएस एजेंट, फिर उसके बाद बात करी जाए ब्लैक विडो की कैरेक्टर में से येलेना को, जो कि ब्लैक विडो का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। उसी के साथ हल्क की जो सीरीज आ रही है अपकमिंग शी हल्क, उसमें से एक कैरेक्टर लिया जा रहा है जिसका नाम है अबोमिनेशन। और लास्ट में वकांडा फॉरएवर से जीमो। अब आप कहोगे वकांडा फॉरएवर से क्यों, क्योंकि फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में आपको पता होगा कि वकांडा में एक्चुअली में इस टाइम जीमो है। तो मई से थोड़ा रेफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि जीमो कैसे इनकी टीम को ज्वाइन करता है। अभी हाल फिलहाल 4 कैरेक्टर कंफर्म कर दिए गए हैं और बाकी धीरे धीरे और कैरेक्टर इसमें ज्वाइन करेंगे। ये मूवी एंटी हीरोज की होगी और डिज्नी की तरफ से मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, बिकॉज ये मार्वल फेज 5 का एंड है। फिर उसके बाद डेडेविल सीरीज आएगी जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 5 महीने तो चलने वाली है। और आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के साथ इसके बाद जो मूवी आएगी वो होगी फेज 6 की, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।